बसमिन नाजरी हम अपने यूट्यूब चैनल इनविजिबल नॉलेज में आपको खुश आमदी कहते हैं जी प्यारे, प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसने मस्जिद नबी का डिज़ाइन तैयार किया जी हाँ डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस तारीख के सबसे कम उम्र तरीन शख्स थे जिन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सबसे कम उम्र तालब इलम बने उन्होंने वहां से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की फिर सबसे कम उम्र तालब इलम बने जिनको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की तीन डिग्रियां लेने का एजाज हासिल है जी हाँ डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 13 दिसंबर 1908 में मिस्र में पैदा हुए डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो सबसे कम उम्र नौजवान थे जिन्होंने बादशाह से नाइल स्कार्फ और आयरन का खताब हासिल किया वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तोसी मंसूबे की तामीर और अमल दरामत के लिए इख्तियारात संभाले इसके लिए उन्होंने शाह फहद और बिन लादन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए किसी भी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था वो कहा करते थे कि मैं दो मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूं और क्या के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूंगा उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की और उनकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया और जचकी के बाद फौत हो गई इसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे मोहम्मद कमाल इस्माइल ने हरमैन शरीफैन में सफ़ेद पत्थर नसब कराया ये वो पत्थर है जो हरम में मक्की में मुताफ छत और बाहर के सेन में लगा हुआ है इसकी खसूसियत यह है कि गर्मी को जजब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है ये एक मुलक ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो सफर करके गरीस गए और हरम के लिए काफी मकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का किया कियादे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई पंद्रह साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबी में भी नस्ब करने को कहा इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुए क्योंकि कुर अर्ज़ पर वाह जगह करीसी थी जहां ये पत्थर दस्तयाब था जो कि आधा पहाड़ तो वह पहले ही खरीद चुके थे इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो करीस में इसी कंपनी के चीफ एग्जीटिव के पास गए उसे मिले, उसे मिले और मार्बल, मार्बल की बकाया मकदार जो बच गई थी इसके बारे, बारे में पूछा तो चीफ एग्जेक्टिव ने बताया वो मार्बल तो हमने आपके जाने, जाने के बाद बेच दिया था अब तो पंद्रह साल हो गए हैं कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताएं जिसने बाकिया तमाम मार्बल खरीदा था तो उसने कहा पुराना रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल काम है लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है कि किसने खरीदा अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने, जाने से चंद घंटे केवल इसे कॉल आई कि मुझे मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है डॉक्टर मोहम्मद कमाल, कमाल इस्माइल बहुत, बहुत आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया और सोचने लगा कि अब क्या करूंगा खरीदार के एड्रेस को क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है कि कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए इसका दिल धड़कना भूल गया फिर जोर का सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी थी कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और इसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा इस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और डायरेक्टर एडमंड को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल को क्या किया जो ग्रीस से खरीदा हुआ था तो उसने, उसने कहा आ, मुझे याद नहीं फिर उसने स्टॉक रूम से रहा किया और उसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो ग्रीश ग्रीश से मंगवाया था, था किधर है? तो उन्होंने कहा वो सारी मौजूद है और, और इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया तो कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालक को पूरी कहानी सुनाई उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और तो मार्बल, मार्बल की तमाम मकदार मेरे, मेरे हवाले कर दो जब कंपनी के मालिक को, को पता चला कि यह तमाम आ, मार्बल मस्जिद नवी में इस्तेमाल इस्ते 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 होना है तो, तो उसने कहा मैं एक, एक रियाल भी नहीं लूंगा अल्लाह ताला ने ये मार्बल मुझसे खरीद करवाया और फिर मैं भूल गया इसका मतलब यही है कि ये मार्बल मस्जिद नबी शरीफ में इस्तेमाल होना था वह एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्ट था जिसने नामालूम रहने को ज्यादा तरजीह दी डॉक्टर मोहम्मद कमाल इसमाईल दो अगस्त 2008 को तार से खोज कर गए अल्लाह तर्जात को बुलंद फरमाया में